असलम जी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटीनेंट्स हमने पढ़ा फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं अभी उसमें आ, कुछ चीज़ें आ रही हैं हमने कल आपको यहाँ पे दिखाया था डिवीजन्स जो हैं फ़िज़िकल फीचर्स में देर आर सिक्स फिज़िकल डिविजन्स तो इसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेंस पढ़ा ये नॉर्दर्न प्लेन्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ये पेनिनसुला क्या है प्लेट्यू क्या है प्लेन्स क्या है यहाँ पे ब्रॉडली ये एक्सप्लेन किया गया है आप देखें यहाँ कंटिनेंट्स एंड ओशंस जब हमने देखा तो ये कहता है यू हैव रेड अर्लियर दैट द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर नॉन एज कंटीनेंट्स हम किसको कहते हैं कंटीनेंट क्या है द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर नॉन एज कंटीनेंट्स लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड ये हमारे पास मैप है यहाँ पे वर्ल्ड मैप इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका है यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया एंटार्टिका आर सेवन continents of the world so you will find that there are seven continents these are asia africa north america uh, south america europe australia and antarctica india is a part of asia so india jo hamara continent it lies in asian continent asia continent mein hamara hindustan aap dekhiye yahan pe it lies here this is india टूवर्ड the east. ठीक है अब ये देखें यहाँ पर ये seven continents हैं और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर Pacific Ocean साउदर्न ओशन देखें इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन आर्टिक ओशन ये एंटार्टिका और यहाँ पे इंडियन ओशन के ठीक ऊपर यहाँ पे इंडिया इट लाइज ऑन द इंडियन ओशन एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इंडियन ओशन इंडिया जो है इंडियन ओशन जो है तो इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ एशिया ये किसका पार्ट है आप यहाँ देखें ये यह सारा जो रेड दिखाई दे रहा है ये एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे एशियन एशिया कंटीनेंट है जो हमारा तो इंडिया इसका एक हिस्सा है अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं द पेन एंड प्लेट्यू उससे पहले आप देखेंगे प्लेट्यूज एंड प्लान है क्या है हमने कल देखा द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस हैज डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स लैंड फॉर्म क्या है यही जो फिजिकल फीचर पढ़ रहे हम इसमें ज़मीन जो है अर्थ सरफेस जो इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फ़ीचर्स हम कहते हैं इनको वी यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स दीजर माउंटेंस हिल्स वैलीज प्लेट्यूज एंड प्लान इसके लिए हम ये जो वर्ड यूज़ करते हैं माउंटेन प्लान प्लेट्यूज ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेशल वर्ड्स हैं इनके लिए लगता है ये फिज़िकल फीचर हम इसी को कहते हैं अब इसमें माउंटेंस हिल्स एंड वैलीज हमने पढ़ा आज हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है द पेनसुलर प्लेट्यूब तो प्लेट्यूब पहले देखें आपके <coughs> प्लाट्यूज़ एंड प्लेन्स क्या है लार्ज एरियाज़ ऑफ हाईलैंड दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज़ यहाँ पर देखें आप ये जो ये यह हमारा यहाँ पे मैप है ये इंडिया है और इसका ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है ये देखें साउदर्न साउथ south, जो है साउदन ये साउथ ईस्ट है ये साउथ वेस्ट है और ये हो गया पेनिनसुला यहाँ पे ये आइलैंड ठीक है ये इस तरह से अब इसमें देखें कि पेनन्सुलर प्लेट्यूज को क्या कहता है कि लार्ज एरिया ऑफ हाई लैंड दैट आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज़ प्लेट्यूज़ क्या हो गया <coughs> ये देखें माने कि मेजर ऑन अर्थ सरफेस यहाँ पे तो ये ओशन यहाँ सीज़ है ठीक है ये ज़मीनी हिस्सा यहाँ पे ये हिल रेज लैंड फॉर नॉट एज हाई एज माउंटेंस ये हिल है इसको हम हिल कहते हैं कि दिस इज़ हिल रेज लैंड फॉर नॉट एज हाई एज माउंटेन पहाड़ की तरह जैसे ये हमारे माउंटेन्न की तरह इतना ऊंचा नहीं है इसको हम हिल कहते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखें आप ये एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लेट्यू हाई फ्लैट लैंड हाई बट फ्लैट लैंड यहाँ पे ये लैंड जो है ये फ्लैट होती है लेकिन इससे जो है ये इस ज़मीन सतह से थोड़ी ऊंची होती है उसके बाद प्लेन आप देखें मोस्टली फ्लैट लैंड प्लेन हम कहते हैं ठीक है, है हमवार ज़मीन जो होती है बिल्कुल आ, बराबर जो होती है प्लेन होती है वैली और वैली क्या हो गया लो लैंड्स बिटवीन हिल्स आर माउंटेंस ये जो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है दिस इज़ कॉल्ड वैली अब कोस्टल प्लान यहाँ पर देखें कोस्टल प्लान लो फ्लैट एंड अलॉन्ग एन ओशन ये समुंदर या ओशन के साथ जो ज़मीन होती है उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं साहिली जो जगह है ठीक है मेजर अब प्लेट्यूज है ये कहता है कि लार्ज एरिया ऑफ हाई लैंड ऑन द टॉप आर नोन एज प्लेट्यूज देखें आप यहाँ पे जैसे प्लेट्यू को हम दूसरा ये कहते हैं कि ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या कहेंगे ये एक टेबल आप मान लें जिस पे बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं वो टेबल की जो ऊपर वाली सतह एक तो हो गया यहाँ से लास्ट बॉटम जो होती है यहाँ देखें ये और यहाँ से ये जो चीज़ दिखाई गई है ऊपर टेबल के जहाँ पे हम बैठ के हम इसके ऊपर लिखते हैं लेकिन ये प्लेन में आती है दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू हो गया टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर और पेनन्सुला ए लैंड मास यही चीज़ देखें आप ये दिस इज़ पेनसुला विच इज़ कवर्ड बाई वाटर बाय थ्री साइड्स तीनों तरफ से जो पानी से घेरा होता है जो एरिया उसको हम क्या कहते हैं ये यह पेनसुला यहाँ पे देखें अरबियन सी इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल ठीक है तो इस तरह से ये प्लेट्यूज क्या है इसको हम कहते हैं कि हाई लैंड आर फ्लैट ऑन द टॉप आर नॉन एज प्लेट्यू लैंड्स इसको क्या कहते हैं हम टेबल लैंड भी कहते हैं प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचर स्ट्रेच स्ट्रेचिज ऑफ आलमोस्ट फ्लैट लैंड दे मे हैव बीन फॉर्म फ्राम फ्लोइंग लावा आर वेन हिल्स एंड माउंटेन्स वाई ब्रोकन डाउन बाय विंड आर रेन ठीक है तो प्लेन्स जो हैं ये देखें आप प्लेन्स कहाँ पे हैं ये मोस्टली फ्लैट लैंड होती है ये प्लेन्स हैं मोस्टली फ्लैट लैंड ये लेकिन ये कैसे बनते हैं ये जो लावा फ्लो <coughs> करता है जो पहाड़ों से लावा निकलता है और वेन हिल्स एंड माउंटेन्स वाई ब्रोकन डाउन बाय विंड आर रेन जब बर्फबारी होती है बारिश होती है पानी से जो वहाँ से जो सिल्ट टूटती है और जो मिट्टी बह कर नीचे आती है इट मेक्स प्लेन्स मोस्टली फ्लैट लैंड इसको हम कहते हैं प्लैन्स आर जनरली सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और यहाँ पर क्या होता है फसल जो है वो अच्छी तरह से उगती है वहाँ पर उगाई जाती है सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी जगह होती है द लैंड

आगे है डेजर्ट डेजर्ट्स आर दोज एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटल रेन हमने पढ़ा जब यहाँ पे इंडियन कॉन्टीनेंट्स में देखें आप कल हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो उसमें डेजर्ट्स जो है ये कहता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ठीक है ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वेस्टर्न गार्ड्स की तरफ ये देखें ये जो एरिया है ये सारा क्या है डेजर्ट में आता है तो डेजर्ट्स क्या होते हैं डेजर्ट्स आर Those areas of land which receive very little land and where very few plants or trees grow. Wapi, both come. अब अब ये प्लांट्स होते हैं पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और वहाँ बहुत कम बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है और जिसकी वजह से वेरी फ्यू प्लांट्स आर ट्रीज़ ग्रो मोस्ट डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई फॉर इंस्टांस दर्ड डिजर्ट थर्ड डिज़र्ट जो है इसकी एक मिसाल है ठीक है हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या है थर्ड डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो इंडिया में किस तरफ आता है वेस्टर्न पार्ट में आता है वेस्ट की तरफ जो अभी मैंने दिखाया आपको उसमें क्या होता है सम डेजर्ट्स कैन आल्सो बी कोल्ड दोज एरियाज विच आर कवर्ड

दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्राउंडेड बाई वाटर ये देखें आप इसको हमें ये आ, आई लैंड दिया गया है और ये इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्राउंडेड बाई वाटर फ्राम फोर साइड्स पेनसुला में क्या होता है दिस इज़ आल्सो ए लैंड मार्क्स ठीक है लैंड बॉडी uh, हम कहेंगे इसको पेनन्सुला ये लेकिन बट इट इज़ कवर्ड बाई वाटर बॉडीज फ्राम थ्री साइड्स बेया बंगाल अराबियन सी एंड इंडियन ओशन लेकिन इसको एक तरफ से क्या होता है एक तरफ से इसको फोर्थ साइड इज़ लैंड मार्क्स ठीक है वहाँ ज़मीनी हिस्सा होता है लेकिन ये तीनों तरफ से बट इन आईलैंड इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्राम फोर साइड ये चारों तरफ से है, ठीक है आईलैंड क्या है ये चारों तरफ से पानी से ढका होता है यही फर्क है आईलैंड और पैले में ठीक है ये आई इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कम्पलीटली सराउंड बाई वाटर ए ग्रुप ऑफ आईलैंड क्लोज टुगेदर इन द सी इज नाउन एज आर सी पहला है वो ठीक है अब यहाँ देखें अब वो एरिया जो समंदर के नज़दीक होता है ठीक है बिल्कुल समुंदर के नज़दीक या समुंदर के पास उसको हम कहते हैं आरची पेलेगो द अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया आर ऑफ दिस इसमें अंडोमान और निकोबार आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आईलैंड ये उसकी एक मिसाल है अब यहाँ पे, पे पेनसोला की डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ पे ए इज पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स हो एवर अनलाइक एन आईलैंड ए पेन इज जॉइन टू ए लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड यहाँ पे क्या है एक तरफ से ये लार्ज पीस ऑफ लैंड है ठीक है जमीनी हिस्सा है और बाकी तीन हिस्से इसके पानी की तरफ जुड़े हुए हैं लेकिन आइलैंड में इट इज टोटली कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स oh, ठीक है वन साइड द पार्ट ऑफ आइलैंड इज ए पेनिनसुला सी द मैप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये पार्ट है हमारा ये पेनिनसुला है और ये पानी से घिरा हुआ है